बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आयशा। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन नगेट्स की इतनी सिंपल, इतनी आसान और इतनी शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने काफी सारे तरीकों से नगेट्स बनाए होंगे, लेकिन आज जिस तरीके से मैं इसको बनाऊंगी, इंशाल्लाह आप इजीली अपने घर पे बना सकेंगे। और इस रेसिपी की सबसे खास बात ये कि आप इसे बनाकर तकरीबन 3 से 4 माह तक महफूज भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं खराब होंगे। ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है तो इंशाल्लाह हमारे नगेट्स बहुत जबरदस्त से बन के तैयार होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। चिकन नगेट्स बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए होगा ये 1 पाव। हमारे पास बोनलेस चिकन है, इसको अच्छे से हमने कर लिया हुआ है वॉश और इसके छोटे छोटे से पीसेस बना लेते हैं। इसे हम काउंटर पे रखेंगे, काउंटर बिल्कुल साफ है, काउंटर पे बहुत जबरदस्ती और इजीली कटिंग हो जाएगी। छोटे छोटे से पीसेस में आपने इनको कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये लंबाई में कट कर लिया हुआ है, अब इसके छोटे छोटे से पीसेस बना लेते हैं ताकि हमें इसे चॉप करने में हमें आसानी रहे। चिकन की यहाँ पे हमने जबरदस्त वाली कटिंग कर ली हुई है, आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे से पीसेस में इसको मैंने कट कर लिया हुआ है। और यहाँ पर हमने ले लिए हुए हैं 6 अदद हमारे पास ब्रेड्स हैं, और आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि ब्रेड्स आपने नमकीन वाले लेने हैं। अगर आपने मीठे ब्रेड ले लिए ना तो आपकी रेसिपी खराब हो जाएगी। 3 हम यूज करेंगे चिकन में और 3 मैं आपको बताऊंगी कि हम किस पॉइंट पे यूज करेंगे। इसकी हमें करनी होगी यहाँ पे ये साइडें ब्राउन वाली रिमूव। इनको आपने जाया बिल्कुल नहीं करना, इनके आप लोग ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा, बहुत सी रेसिपीज में ये यूज होंगे। 4 हिस्सों में हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे ताकि हमें इसे भी चॉप करने में आसानी रहे। और दूसरी तरफ यहाँ पे लेंगे हम 1 अदद चॉपर। अगर आपके पास नहीं है तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, आप लोग इसको ब्लेंडर जग में डाल के पीस सकते हैं, या आप लोग कीमे वाली शॉप से इजीली ये चिकन को पिसवा लीजिएगा, कीमा करवा लीजिएगा, तो इजीली आपके नगेट्स बन जाएंगे। इसमें हम ऐड करेंगे ब्रेड्स के वो स्लाइसेस जिनको हमने यहाँ पे जबरदस्त सा कट करके रखा हुआ था चिकन के लिए, और बंद करेंगे और इसको हम जबरदस्त सा इसका चूरा बना लेंगे। ले जी, यहाँ पे ब्रेड्स का जबरदस्त सा चूरा जो है वो बन चुका हुआ है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये बोनलेस चिकन जिसको हमने यहाँ पे कट करके रखा हुआ था, ये भी हम इस चूरे में ही ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ये हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, अगर आप लोगों के पास पाउडर है ना तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे हम सोया सॉस, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही ऐड करेंगे हम इसमें नमक। ये चीजें आप लोग अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं, नो इश्यू। बस जी ये इसमें स्पाइसेस जाते हैं, अगर आप लोगों के पास यहाँ पे पेपरिका पाउडर है तो आप लोग वो ऐड कर सकते हैं। इसको कवर कर दिया हुआ है, इसे हम यहाँ पे इतना पीसेंगे कि ये यकजान हो जाए। चॉपर को हम ऑन करते हैं, इसको अच्छे से पीस लिया हुआ है, इसको निकाल लेते हैं हम एक बाउल में। आप लोगों ने ये जो मिक्सचर है ये बिल्कुल यकजान कर लेना है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके नगेट्स टूट सकते हैं। ये जी मिक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार है, इसे हम रख देते हैं फ्रिज में तकरीबन आधे घंटे के लिए और फिर आपसे मिलते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत जबरदस्त सा पिस चुका हुआ है, और आधे घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा हो चुका हुआ है इसको फ्रिज में रखे हुए, तो आप देख सकते हैं ये बहुत जबरदस्त सा सेट भी हो चुका हुआ है। और अब जी हम नगेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, अपने हाथों पे लगाएंगे कुकिंग ऑयल ताकि ये मिक्सचर जो है हमारे हाथों पे ना चिपके। बहुत बारीक से आपने नगेट्स बनाने हैं, ठीक है, मोटे रखेंगे तो कच्चे रह जाएंगे, टेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आप अपनी मर्जी की शेप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ले जी मैंने यहाँ पे माशाल्लाह इसको इस तरीके से कैंडी की शेप दे दी है, आप कोई सी भी रख सकते हैं, और आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा मोटे नहीं है, ठीक है। इसको इस तरीके से हम प्लेट में रखते जाएंगे और फिर इसकी हम कोटिंग की तरफ चलेंगे। अगर आप लोगों को नगेट्स उस तरीके से बनाने थोड़े से मुश्किल लगते हैं तो मैं आपको एक इजी सा तरीका बता देती हूँ। थोड़ा सा हम लेंगे मिक्सचर, इसका हम अपने हाथों पे बनाएंगे सबसे पहले एक बाउल, मीडियम साइज का आपने एक बाउल लेना है, और इस तरीके से आप लोगों ने इसको नीचे प्रेस कर देना, नीचे ऑयल आपने जरूर ग्रीस करना है। इसको मैंने जबरदस्त सा यहाँ पे फैला दिया हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, ये कुकी कटर है हमारे पास, ये इजीली आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, और आप देख सकते हैं हर शेप है, हर साइज है, आप जिस तरह के पसंद करते हो तो आप ले लीजिएगा। मैं इसको इस शेप में कट करूंगी, ये बिल्कुल सेंटर वाला है, अच्छे से आप लोगों ने करना है प्रेस, और साथ ही आपने इसको उठा लेना है, साइडें आप रिमूव कर दीजिएगा, और ये बहुत इजीली और बहुत खूबसूरत सा नगेट्स बनके तैयार हो जाएगा। ये भी बहुत इजीली उतर जाएगा,
ले जी अल्हम्दुलिल्लाह, नगेट्स जो है जबरदस्त सा बन के आपके सामने तैयार है। इसी तरीके से हम हर शेप में सारे बना लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। नगेट्स सारे बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हुए हैं, आप देख सकते हैं। नीचे मैंने बटर पेपर जो है वो रखा हुआ ताकि हमें इन्हें उठाना आसान हो। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त से तैयार हैं, और इसमें से मैं कहीं आपके लिए फ्राई करके दिखाऊंगी और बाकियों को मैं फ्रीज करने का तरीका आपको बताऊंगी कि आप इजीली इनको 6 माह तक कैसे फ्रीज करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं ये खराब होंगे। अब हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा घोल बना लेते हैं नगेट्स का। सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे 1 अदद बॉल, इसमें हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून ये हमारे पास दूध है, अच्छे से इसको फेंट लेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे हमने ले रखे हैं ये हमारे पास येलो वाले ब्रेड क्रम्स हैं, आप ब्राउन भी ले सकते हैं, व्हाइट भी ले सकते हैं और येलो भी ले सकते हैं। येलो से ये होता है कि इन नगेट्स का जो कलर है वो बहुत जबरदस्त सा निकल के आता है। इन तीनों की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, जरूर आप लोग वॉच करिएगा। अब हम लेंगे यहाँ पे नगेट्स और इसकी हम करेंगे जबरदस्त सी वाली कोटिंग। यहाँ पे सबसे पहले इसे हम डिप करेंगे अंडे में, अच्छे से इसको हमने लगा देना है अंडा, और फिर हमने इसको ब्रेड क्रम्स में डिप कर देना है। अच्छे तरीके से इसको ब्रेड क्रम्स भी लगा देंगे, देखिएगा बहुत क्रिस्पी ये कोटिंग इसकी लगती। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्ती कोटिंग जो है वो हो चुकी हुई है। इसको हम रखते जाते हैं और इसी तरह सारे कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम गैस पे रखेंगे 1 अदद पैन, इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल बहुत ज्यादा नहीं आपने डालना, और ऑयल जो है वो मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म कुकिंग ऑयल में आपने ये नहीं ऐड करने। इसमें अब हम ये नगेट्स ऐड करते जाएंगे जिसको हमने कोट करके रखा हुआ है। गैस का फ्लेम मीडियम है यहाँ पे, अगर आप इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से कलर आ जाएगा। इनको कर लेते हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई, और साथ ही हम इसकी साइडें चेंज करते जाएंगे ताकि हमें हर साइड से एक जैसा कलर मिल सके। 3 मिनट यहाँ पे एक साइड को हो चुके हुए हैं, साइड को अब हम चेंज कर लेते हैं। नीचे से कलर जो है वो कितना जबरदस्त आ रहा है, इसी तरीके से हम इसको हर तरफ से एक जैसा कलर दे देंगे। ले जी यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम नगेट्स के ऊपर बहुत जबरदस्त सा खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका हुआ है, और ये क्रिस्पी भी हो चुके हुए हैं। इनको अब हम निकाल लेते हैं और फिर चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आप लोगों को डिश आउट करके दिखाते हैं कि ये कितने जबरदस्त, कितने शानदार और कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। फाइनल लुक को मिस मत करिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं चिकन नगेट्स जो हैं वो बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, बहुत क्रिस्पी और बहुत ही जूसी बनके तैयार हो चुके हुए हैं। ये जो चिकन नगेट्स हैं ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मक्खन की तरह नरम बनके तैयार होते हैं। तो आप लोग इन्हें सर्व करें केचप के साथ या फिर रायते के साथ, ये हर तरह से बहुत टेस्टी लगने वाले हैं। और अगर यहाँ पे इसको फ्रीज करने की बात आए, आपने इनको फ्रीज करना हो तकरीबन 6 माह के लिए, तो आप लोग एक जिप लॉक बैग लीजिएगा और उसमें नगेट्स ऐड करते जाइएगा, ये बिल्कुल भी नहीं खराब होंगे। आपने इसको फ्रीजर में रखना है, ठीक है। आपके पास ये जिप लॉक बैग नहीं है तो आप कोई सा भी ढक्कन वाला डिब्बा ले लीजिएगा, इंशाल्लाह ये उसमें भी बड़े जबरदस्त से रहेंगे। आपने इनको इस तरीके से सेट कर देना है और ये बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार लगने वाले हैं। जब कभी आपको हल्की फुल्की सी भूख हो तो आप निकालिएगा, फ्राई करिएगा और इंजॉय करिएगा। बच्चों की ये सबसे ज्यादा फेवरेट रेसिपी है, तो बच्चों को बना के एक बार जरूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को आज की ये शानदार सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह की मजे मजे की रेसिपीज आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।